हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। मैं नेत्रा हूँ, एनआर करंट जीके क्लासेज में आपका स्वागत करता हूँ। आज 10 अक्टूबर 2020 के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते थे उन सभी का इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। दोस्तों, यहाँ पर मैं जो भी प्रश्न लाता हूँ बहुत ही अच्छे लेवल के प्रश्न होते हैं जिनके परीक्षा में आने की संभावना अधिक से अधिक होती है। दोस्तों, इस वीडियो की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल के लिंक पर मिल जाएगी, लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देता हूँ, जहाँ से वीडियो की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, हम बढ़ते हैं आज के मोटिवेशनल क्वोट की तरफ। वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ये देखिए दोस्तों, आज का मोटिवेशनल क्वोट, लक्ष्य को पाने के लिए यदि हम तन मन और धन लगा देते हैं, सच कहता हूं दोस्तों, कुंडली के सितारे भी अपनी जगह बदल देते हैं। दोस्तों, कहने का मतलब यह है कि हमको तन मन धन से तैयारी करनी चाहिए, लक्ष्य को पाने के लिए तत्पर रहना चाहिए। यदि किस्मत में बोलते हैं, किस्मत में ऐसा नहीं है, तो इसमें लिखा है कुंडली के सितारे भी अपनी जगह बदल देते हैं। दोस्तों, मेहनत से हम किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न की तरफ। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए, हाल ही में शहरी मामलों के मंत्रालय ने अपने ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर स्ट्रीट फूड विक्रेताओं को लाने के लिए किसके साथ एक समझौता किया है? तो दोस्तों, सही आंसर ऑप्शन सी है, स्वेगी के साथ एक समझौता किया है। इसका उद्देश्य क्या है? स्ट्रीट फूड विक्रेताओं को हजारों उपभोक्ताओं तक ऑनलाइन पहुंच प्रदान करना और उनके व्यवसाय को बढ़ाने में मदद करना, ये इसका प्रमुख उद्देश्य है। और समझौता किया है स्वेगी से, ऑप्शन सी। स्वेगी की बात करते हैं, देखिए ये एक ऑनलाइन फूड डिलीवरी कंपनी है। इसकी स्थापना 2014 में, मुख्यालय है बेंगलोर कर्नाटक में। संस्थापक थे राहुल जेमिनी, नंदन रेड्डी, श्री हर्ष मजेटी और इसके जो सीईओ हैं वह हैं रक्षा मजेटी, ये इसकी सीईओ हैं। दोस्तों, बढ़ते हैं प्रश्न नंबर दो। यह है प्रश्न नंबर दो, हाल ही में एएस दवे का निधन हो गया है, उन्होंने किस उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य किया? सही आंसर ऑप्शन बी, गुजरात के उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के पद पर उन्होंने कार्य किया। उनका निधन 62 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। 2004 में गुजरात उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किए और 2006 में स्थायी नियुक्ति उनको किया गया। इसके अलावा दोस्तों, 14 नवंबर 2018 से गुजरात के उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में इनको नियुक्त किया। इसके बाद सितंबर 2019 तक इन्होंने इस पद पर कार्य किया और जो वर्तमान मुख्य न्यायाधीश हैं वो विक्रमनाथ के पद संभालने तक इन्होंने कार्य किया। मतलब इन्होंने विक्रम जो नाथ हैं उन्होंने सितंबर 2019 में अपना पद ग्रहण किया, तब तक एएस दवे ने कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य किया। बात करते हैं गुजरात की, तो गुजरात के बारे में देखिए, भारत की पहली पुलिस जिसके पास टेजर गन है। टेजर गन के बारे में मैं आपको बताया हूँ, ये ई गन्स होती हैं जिनसे इलेक्ट्रॉनिक शॉक्स लगते हैं। सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान ये गुजरात सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया एक अभियान है। उम्बारे आंगनवाड़ी अनूठी पहल, ये भी गुजरात सरकार द्वारा चला गई एक आंगनवाड़ियों के लिए एक अनूठी पहल है। राजधानी गांधीनगर है, सबसे बड़ा शहर अहमदाबाद, कुल जिले 33 है। यहाँ की जो भाषा है, राजभाषा गुजराती है। इस राज्य का गठन 1 मई 1960 को हुआ है। मुख्यमंत्री विजय रूपानी हैं जो बीजेपी के हैं। राज्यपाल है आचार्य देवव्रत। विधानसभा की 182, राज्यसभा की 11 और लोकसभा की 26 सीटें। राष्ट्रीय पार्क देखिए, यहाँ पर राष्ट्रीय उद्यान गिर राष्ट्रीय उद्यान है जो बब्बर शेर के लिए प्रसिद्ध है। बेलभद्रा राष्ट्रीय उद्यान है। इसके अलावा पर्यटन स्थल देखिए, सोमनाथ मंदिर, द्वारकानाथ मंदिर, स्टैचू ऑफ यूनिटी, विश्व की सबसे अधिक ऊंची मूर्ति है स्टैचू ऑफ यूनिटी जिसकी ऊंचाई 182 मीटर है। नीचे देखिए एक फ़ोटो मैं दिया हूँ, ये हैं एएस दवे जो गुजरात के पूर्व मुख्य न्यायाधीश, जो कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किए थे।
हाल ही में उनका निधन हो गया है। प्रश्न नंबर तीन देखिए, प्रश्न नंबर तीन बहुत अच्छा प्रश्न है। हाल ही में ड्रूल्स का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? तो दोस्तों सही आंसर ऑप्शन बी है, करीना कपूर को। करीना कपूर को ड्रूल्स का एम्बेसडर नियुक्त किया है। तो दोस्तों ड्रूल्स के बारे, ड्रूल्स क्या है? ड्रूल्स एक कंपनी है जो पालतू कुत्ते और बिल्लियों का भोजन तैयार करती है। इसका जो ब्रांड एम्बेसडर बनाया है वो करीना कपूर को बनाए हैं। दोस्तों इससे पहले बहुत सारे ब्रांड एम्बेसडर बनाए थे, मैं आपको कुछ रिपीट करा देता हूँ जो पिछले महीने में बने हैं, कुछ इस महीने में बने हैं, उनको मैं आपको एक बार रिवाइज करा देता हूँ जिससे आपको अधिक समय तक याद रह सके और आप उसको भूल नहीं पाओ। कियारन जो आडवाणी थी, कियारा आडवाणी को मिंत्रा का मिंत्रा जो ई कॉमर्स कंपनी है उसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया था। बजाज आलियांज ने आयुष्मान खुराना को, और जो प्लेयर्स पोर्ट था उसने भुवनेश्वर कुमार व स्मृति मंदाना जो क्रिकेटर हैं उनको बनाया था। इसके अलावा पेटीएम फर्स्ट गेम्स ने सचिन तेंदुलकर को बनाया था। एसर इंडिया ने जो एक पीसी कंप्यूटर ब्रांड है उसने सोनू सूद को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया। जो वेदांतु है, वेदांतु एक ऑनलाइन ट्यूशन प्लेटफॉर्म कंपनी है, उसने आमिर खान को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया। इसके अलावा जो ग्रेट लर्निंग एंड टेक कंपनी है उसने विराट कोहली को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया। तो दोस्तों आप ऐसे इनको याद रखिएगा, मैं आपको बार बार रिवाइज कराते रहूँगा। ये देखिए फोटो, ये हैं करीना कपूर। आगे बढ़े, प्रश्न नंबर अगला है, प्रश्न नंबर चार। हाल ही में किस राज्य सरकार ने साइबर पुलिस स्टेशन स्थापित करने की घोषणा की है? साइबर पुलिस स्टेशन स्थापित करने की घोषणा की है छत्तीसगढ़ ने साइबर पुलिस स्टेशन स्थापित करने की घोषणा की है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। इनका स्थापित करने का जो उद्देश्य है वो उद्देश्य क्या है? साइबर अपराध को कम करने के लिए छत्तीसगढ़ ने साइबर पुलिस स्टेशन की स्थापना की है। बात छत्तीसगढ़ की करते हैं, छत्तीसगढ़ के बारे में देखिए, सी घाट ऐप ये कोरोना काल में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा लॉन्च किया गया। पंडही त्योहार द्वार ऐप ये भी छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है। राजीव गांधी किसान न्याय योजना छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा प्रारंभ की गई है। छत्तीसगढ़ के बारे में अन्य बात करते हैं, राजधानी रायपुर है, सबसे बड़ा शहर भी रायपुर है, कुल जिले यहाँ पर 28 हैं। गठन हुआ है इस राज्य का 1 नवंबर 2000 को। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं, राज्यपाल अनुसुईया उइके हैं, विधानसभा की 90, राज्यसभा की 5 और लोकसभा की 11 सीटें। राष्ट्रीय पार्क यहाँ पर देखिए, कांगेर घाटी नेशनल पार्क, इसके अलावा दूसरा है इंद्रावती नेशनल पार्क, यहाँ के ये प्रमुख नेशनल पार्क हैं। नदियाँ देखिए, महानदी जिसको छत्तीसगढ़ की गंगा भी कहा जाता है, शिवनाथ नदी, इंद्रावती नदी और मांड नदी, ये यहाँ की प्रमुख नदियाँ हैं। आगे बढ़ें, प्रश्न नंबर पाँच देखिए, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अटल आदर्श विद्यालय खोलने की घोषणा की है? तो दोस्तों ऑप्शन सी उत्तराखंड ने अटल आदर्श विद्यालय खोलने की घोषणा की है। उत्तराखंड के करीब 90 ब्लॉक्स में हर एक ब्लॉक में दो अटल विद्यालय खोले जाएंगे। ये दोनों मीडियम में होंगे, इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में ये स्कूल होंगे। उत्तराखंड की बात करें तो राजधानी देहरादून है, इस राज्य का गठन 9 नवंबर 2000 को हुआ है। राज्यपाल बेबी रानी मौर्य हैं, मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत हैं, विधानसभा की 71, राज्यसभा की 3 और लोकसभा की 10 सीटें। पर्यटन स्थल देखिए, यहाँ पर फूलों की घाटी, कई बार प्रश्न आया हुआ है फूलों की घाटी कहाँ पर है, तो उत्तराखंड में फूलों की घाटी है, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री, ये यहाँ के प्रमुख पर्यटन स्थल हैं। आगे बढ़ें दोस्तों, प्रश्न नंबर छः देखिए, ये भी अच्छा प्रश्न है, स्टार लगाइए इस पर। हाल ही में भारत के पहले बैडमिंटन ब्रांड ट्रांसफार्म का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? तो दोस्तों ऑप्शन सी चेतन आनंद को बैडमिंटन के ब्रांड ट्रांसफॉर्म का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। अभी मैंने आपको बताए थे कुछ ब्रांड एम्बेसडरों के नाम, तो उनमें एक नाम ये भी जुड़ गया है, बैडमिंटन ब्रांड जो है ट्रांसफॉर्म का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है चेतन आनंद को।
तो दोस्तों ये हैं चेतन आनंद। आगे बढ़ें दोस्तों, प्रश्न नंबर सात। प्रश्न नंबर सात देखिए, भारतीय वायुसेना दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो दोस्तों ऑप्शन सी 8 अक्टूबर को, 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है। वायुसेना दिवस के मौके पर शानदार परेड होती है, भव्य एयर शो का आयोजन भी किया जाता है। ये 8 अक्टूबर 1932 को वायुसेना की स्थापना की थी, इसलिए हर साल 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस मनाया जाता है। पहले वायुसेना जो थी उसका एक अन्य नाम था रॉयल इंडियन एयर फोर्स, RIAF, रॉयल इंडियन एयर फोर्स। नीचे देखिए एक फोटो दिया हूँ, भारतीय वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर। आगे बढ़ें दोस्तों, प्रश्न नंबर नौ देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है। हाल ही में किस भारतीय महिला पहलवान ने हरियाणा के खेल और युवा विभाग में उप निदेशक पद से इस्तीफा दे दिया है? तो दोस्तों सही आंसर ऑप्शन ए है, बबीता फोगाट ने हरियाणा के खेल और युवा विभाग में उप निदेशक पद से अपना इस्तीफा दे दिया है। आपको पता है बबीता फोगाट प्रख्यात कुश्ती के कोच महावीर फोगाट की बेटी हैं। फोगाट परिवार हिंदी फिल्म, एक फिल्म आई थी दंगल फिल्म से काफ़ी प्रसिद्ध हुआ है, घर घर में मशहूर हो गया है, जो फोगाट बहनों के जीवन पर आधारित एक फिल्म थी। बबीता फोगाट ने, आपको पता है, राष्ट्रमंडल खेलों में 1 स्वर्ण सहित 3 पदक जीत चुकी हैं। उन्होंने वर्ष 2018 में गोल्ड कोस्ट में खेले गए 53 किलो महिला कुश्ती वर्ग में सिल्वर मेडल जीता था, और उसके अलावा 2014 में ग्लासगो में आयोजित खेलों में 2014 जो ग्लासगो में आयोजित हुए थे उनमें स्वर्ण पदक जीता था, और 2010 में दिल्ली में हुए राष्ट्रमंडल खेलों में उन्होंने रजत पदक जीता था, सिल्वर मेडल जीता था। आगे बढ़ें दोस्तों, ये एक फ़ोटो है, देखिए ये है बबीता फोगाट। प्रश्न नंबर नौ देखिए, हाल ही में UGC ने देश के कितने विश्वविद्यालयों को फर्जी घोषित किया है? दोस्तों प्रश्न अच्छा है, UGC ने कितने विश्वविद्यालयों को फर्जी घोषित किया है? तो दोस्तों ऑप्शन सी 24 विश्वविद्यालयों को फर्जी घोषित किया है। आयोग की सूची में सबसे ज़्यादा जो संस्थान हैं वो उत्तर प्रदेश के संस्थान हैं, उसके बाद दिल्ली का नंबर आता है। अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में अकेले में 8 ऐसे संस्थान हैं जो फर्जी घोषित किए गए हैं। राजधानी दिल्ली में 7 विश्वविद्यालयों को फर्जी घोषित किया है। इसके अलावा ओडिशा पश्चिम बंगाल में 2-2, इसके अलावा कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, पांडिचेरी और महाराष्ट्र में 1-1 विश्वविद्यालय को फर्जी घोषित किया है UGC ने। आगे बढ़ें दोस्तों, प्रश्न नंबर दस देखिए, हाल ही में अमेरिका के किस मशहूर सिंगर का 80 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? तो दोस्तों ऑप्शन ए जॉनी नैश का हाल ही में 80 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। उन्होंने अपने बेहतरीन गानों से लोगों के दिलों में अलग जगह बना ली थी। जॉनी 1950 से लेकर 1986 तक काफ़ी सक्रिय रहे थे। उनके जो अंतिम गाना था, अंतिम जो आखिरी गाना था वो 1986 में गाया था। ये नीचे देखिए, ये हैं जॉनी नैश। आगे बढ़ें, अमेरिका की बात हुई है तो अमेरिका के बारे में बात कर लेते हैं। राजधानी वाशिंगटन DC है, जो पोटामैक नदी के किनारे है। सबसे बड़ा शहर न्यूयॉर्क है, जिसको गगनचुम्बी इमारतों का शहर कहते हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं, उपराष्ट्रपति माइक पेंस हैं। यहाँ की जो मुद्रा है वो अमेरिकी डॉलर। प्रश्न नंबर ग्यारह अच्छा प्रश्न है। प्रश्न ये है, हाल ही में किसे RBI का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया है? तो दोस्तों एम राजेश्वर राव ऑप्शन डी को हाल ही में RBI का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया है। ये इससे पहले भारतीय रिजर्व बैंक में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, कार्यकारी निदेशक
के पद पर नियुक्त थे, अभी उनको आरबीआई का डिप्टी गवर्नर बना दिया है और ये चौथे डिप्टी गवर्नर के तौर पर काम करेंगे। और इन्होंने जगह ली है एन एस विश्वनाथन की, इन्होंने जगह ली है राजेश्वर 1984 में आरबीआई से जुड़े थे। नीचे देखिए ये है एम राजेश्वर राव। आगे बढ़े प्रश्न नंबर अगला है, उससे पहले देखिए थोड़ा सा बता देता हूँ आरबीआई के बारे में। आरबीआई के बारे में ज़्यादातर लोगों को पता है, आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फुल फॉर्म है इसकी। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को कोलकाता में हुई, मुख्यालय अभी मुंबई महाराष्ट्र में है और आरबीआई के 25वें गवर्नर हैं अभी शक्तिकांत दास। प्रश्न नंबर 12 देखिए, प्रश्न नंबर 12, केंद्र सरकार ने जे बैंक के टर्म को कितने साल के लिए इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के प्रबंध निदेशक एमडी और मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ के रूप में नियुक्त किया है। तो दोस्तों ऑप्शन सी 3 साल के लिए जे वेंकटरम को नियुक्त किया है। किसके लिए? इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के प्रबंध निदेशक और कार्यकारी अधिकारी के रूप में उनको नियुक्त किया है। वेंकटरम के पास भुगतान मोबाइल बैंकिंग खुदरा बैंकिंग उत्पादों जैसे बैंकिंग सेवाओं में 22 वर्षों का अनुभव है। उन्होंने डिजिटल वित्तीय परियोजनाओं का प्रबंधन भी किया है। नीचे मैं एक फोटो दिया हूँ, वैसे इन्होंने जो जगह ली है वो ली है सुरेंद्र सेठी की, इन्होंने जगह ली है। नीचे एक फोटो लिखा है इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, प्रश्न जो आज का है जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। प्रश्न है दोस्तों, अच्छे से सुनिएगा, नासा ने भारतीय मूल की किस दिवंगत अंतरिक्ष यात्री के नाम पर वाणिज्यिक अंतरिक्ष यान लॉन्च किया है? तो दोस्तों आपको इन ऑप्शनों में से सही ऑप्शन चुनना है और कमेंट बॉक्स में लिखना है। आगे बढ़ें दोस्तों, प्रश्न देखिए, काफ़ी लोगों ने सही जवाब दिया, उन सभी के लिए धन्यवाद। प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने शुष्क इलाकों पर ग्रीन कॉरपोरेट बनाने के लिए जल कला योजना शुरू की है? तो दोस्तों आंध्र प्रदेश ने जल कला योजना शुरू की है, जिसमें जो शुष्क जो इलाके हैं जहां पर काफ़ी कम बारिश होती है वहां पर यह योजना प्रारंभ की है आंध्र प्रदेश ने। दोस्तों मैं आशा करता हूं वीडियो आपको आवाज़ अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सभी के लिए धन्यवाद।